गाइस वेलकम बैक टू मोडिफाइड ब्लॉग्स। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनले के ये चेन ल्यू बैन क्लीनर की, जो कि मैं ट्राई करूंगा हिमालयन पे। एक बार ऑलरेडी मैं कर चुका हूं एंड आपको मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आप जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में क्या है नया, इस वीडियो में है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा इम्प्रूव है एंड ये कंपनी ने हमको भेजा है, तो इसको मैं टेस्ट करूंगा दोबारा से। और फिर से मेरे पास है हिमालयन, तो हिमालयन पे मैं इसको अप्लाई करूंगा चेन क्लीनर कैसा काम करता है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने चेन क्लीनर यूज़ किया था तो वो चेन क्लीनर काफ़ी स्लो था एंड उसकी जो परफॉर्मेंस थी मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, हालांकि जो ल्यूब था वो काफ़ी अच्छे तरह से। ये आज हम ट्राई करेंगे चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब किस तरह से काम करता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चेन की कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन अभी, क्योंकि हमने बाइक पूरी वॉश कर दी तो जो ऊपर की जो डर्ट थी वो पूरी हट चुकी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीसी सब्सटेंस अभी भी है इसके ऊपर एंड कहीं कहीं जगह रस्ट आ चुका है। नॉर्मली ये हटती नहीं है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी अगर आप चाहो तो ये साफ नहीं होता है। इसके लिए आपको चेन क्लीनर एंड ल्यूब की ज़रूरत होती है, मतलब पहले क्लीन करने की ज़रूरत होती है, इसके बाद ही आप इसके ऊपर नया ल्यूब लगा सकते हो। अदरवाइज़ आपकी जो चेन है वो हार्डन हो जाएगी एंड उससे जो ये जो इनके लिंक्स होते हैं वो और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे एंड जिससे आपका जो चेन है वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। ऑल्सो इनकी लाइफ भी काफ़ी जल्दी डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पे जो इसके स्प्रॉकेट होते हैं, टीथ होते हैं, वो डैमेज होने लगेंगे। यहाँ पे वेयर एंड टीयर बढ़ जाएगा, नॉइज़ आने लगेगी एंड फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सब के लिए आपको चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मेरे पास है स्पिनले का ये चेन क्लीनर एंड ल्यूब एंड अभी मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ किस तरह के हैं ये प्रोडक्ट। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप वो देख सकते हो। उस टाइम चेन क्लीनर मुझे इतना पसंद नहीं आया था, तो अभी मैं इसको दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे कंपनी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि चेन क्लीनर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले से और ये अभी फास्ट एक्शन काम करता है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था, जो कि मैंने बताया था वीडियो में, तो कंपनी ने उस चीज़ को समझा है एंड उसके ऊपर काम किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये है चेन क्लीनर स्पिनले की तरफ से एंड जिसकी प्राइस यहाँ पे है 499, बट ये आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। मतलब पूरा एक बंडल की बात करें तो 500 या 600 रुपीज़ का आपको ये अमेज़न पे मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ऑल्सो ये चीज़ आप स्पिनले की डायरेक्टली वेबसाइट से भी ले सकते हो एंड यहाँ पे है इसका ल्यूब, तो ये आप देख सकते हो स्पिनले का ल्यूब है। एक हाथ से ये करना बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज तो ये है ल्यूब एंड इसकी भी प्राइस यहाँ पे मेंशन है 499 एंड बाकी सारी चीज़ें आप इसके ऊपर देख ही सकते हो। ऑल वेदर चेन ल्यूब है तो ये आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसको कंपनी कहती है। बाकी ये है चेन क्लीनर, तो 500 ml का है एंड 300 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 500 ml एंड 300 ग्राम्स का ये चेन ल्यूब है। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात करें तो OX and Z रिंग कंपैटिबल ये चेन ल्यूब है एंड सेम चेन क्लीनर भी वैसे ही है। तो अब जल्दी से हम इसको अप्लाई करते हैं एंड चेन को क्लीन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, बिकॉज हाथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं चेन क्लीनिंग में। तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं एंड यहाँ पे चेन क्लीनर रेडी है, तो नोज़ल मैंने इसके ऊपर लगा लिया और ये इसके साथ आता है। सिंपली आपको स्प्रे करना है एंड इसको थोड़ी देर सेट होने देना है, इसके बाद आप इसको वाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको करके देखता हूँ क्लीनिंग किस तरह से होती है। तो गाइस देख सकते हो किस तरह से ये पूरा गंदगी है वो निकल रही है चेन से। अब इसको साफ कर लेते हैं ब्रश को। एंड सिमिलरली आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से चेन को भी बीच बीच में क्लीन करना है, इससे जो ये जो होता है ना कार्बन एंड जो पूरा डस्ट वगैरह रहती है जो इजीली निकलते नहीं है ब्रश से पार्टिकल्स, वो चीज़ आप इससे निकाल सकते हो। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या कोई भी कैसा भी क्लॉथ हो आपके पास, बस ये है कि लिंट वाला क्लॉथ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लिंट नहीं आनी चाहिए उसमें से, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो देख सकते हो एक ही बार स्प्रे करने में काफ़ी हद तक ये अभी चेन दिख रही है साफ। डेफिनेटली पहले वाले कंडीशन से ये अब जो चेन क्लीनर है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है।
पहले ये काफ़ी स्लो था और बहुत जल्दी इवेपोरेट होता था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी चेन क्लीनर लगा हुआ है, इसका मतलब ये आराम से रुकता है और जो भी डर्ट वगैरह रहती है उसको ये डिसॉल्व कर देता है एंड फिर वो काम करता है, इतने जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कैसे गंदगी पूरी निकल रही है। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं एंड इसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करेंगे प्रॉपरली। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो चेन क्लीनिंग हो चुकी है प्रॉपरली एंड इस बार ये चेन क्लीनर डेफिनेटली जैसे कंपनी बोल रही है बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी इसका ये काम हुआ है एंड अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट बचा हुआ है तो इसको ऑलमोस्ट 3-4 बार और यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये हो गया अपना चेन क्लीनिंग, अब जल्दी से बढ़ते हैं चेन ल्यूब की तरफ। अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है चेन ल्यूब को लेना है एंड स्प्रे कर देना है इसके ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं ये भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ग्लव्स में हटा देता हूँ, एक बार इसको हाथ पे स्प्रे करके मैं देखता हूँ। तो यस ये भी काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छी हो चुकी है, देख सकते हो आप यहाँ पे ये वेब फॉर्म हो रहे हैं ना, ये है बेसिकली जो ल्यूब का काम होता है। देख सकते हो ये एडिसिव इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि वो चेन पे रहेगा और आपकी जो चेन की लाइफ होती है उसको प्रोलॉन्ग करेगा, ऑल्सो जो वाइब्रेशन रहता है उसको रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब जल्दी से उसको अप्लाई करते हैं। चलिए ये हो गया ल्यूब। तो गाइस यहाँ पे हमारी चेन तो ल्यूब हो चुकी है, अब मैं ल्यूब के आपके कुछ और बेनिफिट बताता हूँ जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपके फुटपैक्स होते हैं ना, अभी आप देख सकते हो वॉश करने के बाद ये जो चीज़ें आवाज़ कर रही है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे हल्का सा चेन ल्यूब अप्लाई कर सकते हो तो जो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है ना उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा एंड आवाज़ नहीं आएगी एंड ऑल्सो रस्टिंग वगैरह नहीं होगी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जिस तरह से आपके चेन पे ये काम करता है बिल्कुल वैसे ही ये बाकी मेटल टू मेटल जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पीछे वाले फुटपैक्स पे भी हम अप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है बस हल्का सा करना है ताकि आपका जो मेटल टू मेटल फ्रिक्शन है वो ना हो ज़्यादा। एंड सिमिलरली गाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने क्लच ये लीवर पे, यहाँ पे अभी देख सकते हो फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है, ये आप सुन सकते हो इसमें से आवाज़ आ रही है। तो इसको पहले मैं प्रॉपरली क्लीन कर लूँगा एंड इसके बाद इसके अंदर ल्यूब करेंगे। तो गाइस देख सकते हो अब इसके अंदर से आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है पहले से एंड ये थोड़ी देर बाद अपने आप यहाँ से आवाज़ चली जाएगी। सो यही था गाइस चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब, आपने देखा किस तरह से काम किया। डेफिनेटली अब मैं कहूँगा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, स्पेशली जो चेन क्लीनर के रिगार्डिंग मेरी कंप्लेंट थी वो मैं वापस लेना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी तरह से इसने काम किया एंड अब ये डेफिनेटली आपका जो प्राइस है उसको ये डेफिनेटली जस्टिफाई करता है और आप इसको ले सकते हो मेरे स्टोर से मोडिफाई स्टोर से एंड ऑल्सो यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon एंड स्पिनले की वेबसाइट तो है ही, डेफिनेटली आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाकी बिहाइंड द सीन्स एंड मौज मस्ती देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अजनबी राइडर जो कि जिस बंदे की बाइक है वो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अजनबी राइडर
तो आप इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड ऑल्सो इनका यूट्यूब चैनल है अजनबी राइडर से. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप वॉचिंग मोटिफाइड ब्लॉग्स. स्टे सेफ, बाय सेफ, एंड बाय.